Hello and welcome back to Management Nazariya. Today, in this video, we will discuss about the various communication types. ठीक है, communication के types को हम discuss करने वाले हैं बहुत ही simple तरीके से और I bet कि आपको ये याद हो जाएगा, register हो जाएगा दिमाग में, कभी नहीं भूलोगे. तो बस साथ देना और जिन चीज़ों के साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन के थ्रू, उसे कनेक्ट करते हुए चलना, यू विल नेवर फॉरगेट. तो कम्युनिकेशन के होते हैं तीन बेसिक टाइप्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लैटरल. अपवर्ड, डाउनवर्ड और लैटरल, कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं. अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है और एक लैटरल होता है. अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायग्राम को याद करना, दिमाग में रजिस्टर कर लेना. यहाँ पे नीचे है आपका सबॉर्डिनेट्स इन दैट रेड रेक्टेंगल, बीच में है अपवर्ड का मार्क एंड ऊपर है सुपरवाइजर. जब भी एक लोअर डिग्री ऑफ पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन गोज एंड टॉक्स और कम्युनिकेट्स विद द हायर डिग्री ऑफ पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, That is known as your upward communication. चीज़ें नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ, तो उसे क्या कहेंगे? Upward communication. अगर मैं आपको simple trick बताऊँ इसको याद करने का, just like you talking to your parents. आप अपने घर में छोटे हो, ठीक है, आपके parents आपके supervisors हैं. You go and talk to your parents. उसे हम क्या कहेंगे? Upward communication. अब आपकी communication का आपके parents ने जवाब दिया, ठीक है, That is known as your downward communication. Supervisor से नीचे आ रहा है, नीचे, down, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? Downward communication. Diagram को याद रखना, manager ने कोई चीज़ सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट की और सुपरवाइज़र ने वो मैसेज वर्कर्स को दिया. क्या हो रहा है? हायर डिग्री ऑफ अथॉरिटी से लोअर डिग्री ऑफ अथॉरिटी तक बातों को कम्युनिकेट किया जा रहा है, राइट? दैट इज़ नोन एज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है. आपके पेरेंट्स जब आपको कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं, समझाते हैं, दैट इज़ नोन एज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. क्लियर है? अंडरस्टूड? गुड. नाउ नेक्स्ट यू हैव इज़ योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज़ योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? आप अपने सिबलिंग से बातें कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ नोन एज योर हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन. यहाँ भी देखो, सेम डिग्री ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द सेम लेवल टॉक टू ईच अदर, दैट इज़ नोन एज योर लैटरल कम्युनिकेशन. फॉर्मल टॉक भी हो सकता है, इनफॉर्मल टॉक भी हो सकता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, राइट? तो कुछ भी कम्युनिकेशन चालू हो सकता है, बट ये जो कम्युनिकेशन होगा ये सेम डिग्री ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन के बीच होगा. मैनेजर से बात करेगा तो लैटरल कम्युनिकेशन हो गया, वर्कर से बात करेगा तो लैटरल कम्युनिकेशन हो गया, सुपरवाइज़र से बात करेगा तो लैटरल कम्युनिकेशन हो गया. लेकिन अगर वर्कर सुपरवाइज़र से बात करेगा तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, और जब सुपरवाइज़र वर्कर से बात करेगा तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा. आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड्स चैनल. नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड कीप इनोवेटिंग.